बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का लास्ट वन मंथ फाइव डे का परफॉर्मेंस। कैसा रहा हमारा लास्ट वन मंथ फाइव डे का परफॉर्मेंस, आइए चलते हैं। लास्ट हमने 24/4/2018 से स्टार्ट करते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में आप सभी जानते हैं कि अगर सही सिग्नल है तो आपको ट्रेड करना है, अगर गलत सिग्नल है तो ट्रेड नहीं करना है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही सिग्नल है और कौन सा गलत सिग्नल है? जैसे कि यहाँ हमने सेल सिग्नल दिया, ये सेल सिग्नल हमारा कंफर्म सिग्नल था। 24/4/2018 को ये सेल सिग्नल दिया। सेल के पहले देखिए तो एक नीचे की तरफ ब्लू का ट्रायंगल बना हुआ है, इसलिए ये सेल सिग्नल क्या हो गया, कंफर्म बन गया। तो कंपलसरी सेल के पहले नीचे की तरफ ट्रायंगल होना जरूरी है, तो ही आप सेल में काम कर सकते हैं। अभी आगे जाते, आपको यहाँ बोला कि पोजीशन कंटिन्यू होल्ड करिए, यहाँ भी बोला पोजीशन कंटिन्यू होल्ड करिए, और जैसे ही ऊपर की तरफ ट्रायंगल डाल दिया मतलब कि आपको पोजीशन एग्जिट कर लेना है। तो ये भी फैसिलिटी आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर वाले प्रोवाइड ही करते हैं कि कितना होल्ड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ मार्केट एंडिंग में बताया होल्ड करने को, ये मार्केट ओपन हुई तब भी आपको बोला कि होल्ड करने का, और यहाँ बोल दिया कि पोजीशन एग्जिट कर लिया। दूसरी बात, हाउ टू बाय कंफर्म, ऑलरेडी हमने सभी क्लाइंट को बोल दिया, पर ये रिक्वेस्टेड वीडियो है बैंक निफ्टी का। एक क्लाइंट ने हमें बोला था एक महीने का परफॉर्मेंस अपलोड करिए, तो हम कर रहे हैं कि बाय सिग्नल के पहले अगर ऊपर की तरफ ब्लू का ट्रायंगल बना है तो ही आप बाय सिग्नल में काम कर सकते हैं, तो ही कंफर्म बनता है। जैसे आपने देखा होगा सभी सॉफ्टवेयर में जब साइडवे मार्केट होती है बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर आपको दिखाता नहीं है कि सही सिग्नल है या गलत सिग्नल है। यहाँ आपको पहले ही बताया जाएगा कि बाई सिग्नल के पहले अगर ऊपर की तरफ ब्लू का ट्रायंगल बना है, जैसे कि मैंने यहाँ राउंड कर दिया, तो ही आप बाई में काम कर सकते हैं। पर यहाँ देखिए, अब ये बाई के आगे ऊपर की तरफ ब्लू का ट्रायंगल नहीं बना है, मतलब कि रॉन्ग सिग्नल है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये जो पहले वाला सिग्नल है तो इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो रॉन्ग बता दिया। अब आगे देखते हैं, अब आप बाई सिग्नल के पहले ऊपर की तरफ ब्लू का ट्रायंगल बन गया, काफ़ी सारा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ बाई देने के बाद यहाँ आपको बोला कि होल्ड करने का, मार्केट पोजीशन होल्ड करने का, मार्केट ऊपर की तरफ है, यहाँ भी पोजीशन होल्ड करने का, मार्केट ऊपर की तरफ। अब यहाँ सेल सिग्नल आ गया, तो आपको देख कर काम करना है। अगर यहाँ आपको एग्जिट नहीं होना है तो हमने एक दूसरा सीट बना कर रखा है कि अगर इसमें सीट नंबर टू के अंदर अगर सेल सिग्नल नहीं आया है तो आप सेल में एग्जिट मतलब कि बाई से एग्जिट मत होइए। जैसे कि यहाँ से बाई चल रहा था, इस येलो लाइन को क्रॉस कर अभी मार्केट नीचे नहीं आया है, मतलब कि आप पोजीशन एग्जिट मत करिए या कंटिन्यू रखिए पोजीशन को। यहाँ भी बोला कंटिन्यू पोजीशन होल्ड रखिए, कंटिन्यू पोजीशन होल्ड रखिए। बाद में फिर से बाई आ गया, अगर यहाँ एग्जिट नहीं होना है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि सीट नंबर टू में कंटिन्यू बाई है। अगर एग्जिट होना चाहते हैं तो हो जाइए, या फिर से आपको बाय दे दिया। आगे जाते फिर से उसने क्या कर दिया, कंटिन्यू पोजीशन होल्ड करवा के यहाँ फिर से सेल आ गया। आप फिर से वो टू सीट नंबर टू को वॉच कर सकते हैं कि उसमें क्या आया। तो देखिए, इसके अंदर कोई सेल सिग्नल नहीं आया है, हमने यहाँ जोड़कर आपको दे देंगे एक साथ, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। देखिए यहाँ कोई सेल सिग्नल नीचे की तरफ नहीं आया है, यहाँ भी नहीं आया था और यहाँ भी नहीं आया था, तो आप यहाँ से कंटिन्यू क्या रख सकते हैं, पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने पोजीशन कंटिन्यू रखी, बार बार बोल रहा है होल्ड करने का, पर यहाँ एक नीचे की तरफ ब्लू का ट्रायंगल आ गया, मतलब कि पोजीशन आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब इस सिग्नल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ वो हम देखते हैं, 24871 से 26800, मतलब कि करीब 2000 पॉइंट इसने क्या करवा दिया, इन करवा दिया 2000 पॉइंट। बहुत होते हैं 2000 पॉइंट इन, ये एक महीने का, इसके पहले का एक सिग्नल था उसके अंदर भी 200 पॉइंट दिया था, इसके अंदर 2000 पॉइंट दिलवाया, सॉरी 2000 पॉइंट, काफी सारा मूवमेंट हो गया, इतना प्रॉफिट दिलवा दिया, सेल का सिग्नल आ गया। अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, देखिए अब ये सेल सिग्नल आया है हमारा 16 मई को। सेल सिग्नल के पहले नीचे की तरफ फेरो था, सेल था, कंफर्म था, और 26313
अब एक दूसरी तरफ से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि आप सीट नंबर 2 को अंदर भी देख लीजिए, तो इसके अंदर भी सेल आ चुका है। और आने के बाद आपको वो भी देखना पड़ेगा कि येलो लाइन को क्रॉस कर चुका है मार्केट, तो जब सेल सिग्नल हमारा यहाँ आया तब यहाँ सेल सिग्नल यहाँ से आया, देखिए तो सेल तब येलो लाइन को डाउन मतलब कि क्रॉस कर चुकी है मार्केट उसी समय, यहाँ जहाँ हमारे सीट नंबर 1 में आया है वहाँ उसी समय। मैं सीट नंबर 3 के अंदर दिखा देता हूँ, देखिए जहाँ सेल आया है वहाँ मार्केट येलो लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि वहाँ से ये सेल सिग्नल कंफर्म बन गया, स्ट्रांग बन गया हमारा, तो यहाँ से ही है, तो आप यहाँ से ही ट्रेड कर सकते हैं सेल सिग्नल के पहले। देखिए अब डाउन बताया मतलब कि होल्ड करिए होल्ड करिए होल्ड करिए। अब यहाँ देखिए यहाँ सेल आया है, आप सीट नंबर बाय आया है, तो आप अगर यहाँ एग्जिट नहीं होना चाहते हैं तो आप सीट नंबर 2 को वॉच कर सकते हैं। यहाँ देखिए कोई बाय सिग्नल नहीं आया, सीट नंबर इसके अंदर देखिए यहाँ बाय आ गया है, पर हमारी जो येलो अभी दूसरी वाली ऑन आपको एग्जिट कर ले के बोलता है, वहाँ आपको कोई एग्जिट का पॉइंट नहीं मिला है, मतलब कि आप कंटिन्यू पोजिशन रख सकते हैं। यहाँ भी देखिए यहाँ भी कोई बाय नहीं आया, कंटिन्यू पोजिशन रख सकते हैं, कंटिन्यू पोजीशन रहेगी, कंटिन्यू पोजीशन रहेगी, यहाँ भी कंटिन्यू रहेगी, पर यहाँ उसने ऊपर की तरफ ब्लू का ट्रायंगल डाल दिया, तो आपको पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। बाय सिग्नल आ गया, बाय कंफर्म है। अब ये सेल के अंदर कितना पॉइंट मिला तो हम देखते हैं, 26313 से लेकर करीबन 258 816 को, तो करीबन इसके अंदर भी 500 पॉइंट दिया, 2000 प्लस 500 प्लस 200 मतलब कि 2700 पॉइंट यहाँ तक का मिला, और करीबन बाई सिग्नल दिया है 25816 और इसके अंदर भी 500 पॉइंट ऑलरेडी इनकर चुका है, तो करीबन एक महीने के अंदर इसने 3300 पॉइंट दिलवाया, 3300 पॉइंट इन बैंक निफ्टी ओनली 1 month। अब कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ऐसा नहीं मिलेगा समथिंग इतना प्रॉफिट दिलवा सके। तो पहली तो बात ये जो हमारा मेन परफॉर्मेंस तो यही है कि आपको गलत सिग्नल को अवॉइड करवाता है कि डोंट ट्रेड हियर बिकॉज सिग्नल इज फेक साइडवे मार्केट। अब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको ये भी नहीं मिलेगा कि आपको कंटिन्यू कहाँ भी कहाँ होल्ड करना चाहिए मार्केट में, अगर टारगेट हमारे में नहीं है, टारगेट आपको एग्जिट करवाएगा, जब एग्जिट होगा तब आपका टारगेट बनेगा, वो मैक्सिमम टारगेट आपको दिलवाएगा। तीन मतलब कि 300 पॉइंट चला है तो आपको करीबन 250 से लेकर 280 पॉइंट दिलवाएगा, अगर 2000 पॉइंट चला है तो करीबन 1800 से 1900 पॉइंट आपको दिलवाएगा। और दूसरी बात, होल्ड करवाने की जो मेन फैसिलिटी है वो दूसरे किसी में नहीं मिलती है, दूसरी कौन सा सिग्नल सही है और कौन सा गलत है वो भी आपको दूसरी कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी वीडियो का परफॉर्मेंस देखना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, अगर किसी का डेमो चाहिए तो भी आप हमारे से कॉल कर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।